हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर मुथूस फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी इस कंपनी के अंदर आ चुकी है, उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी क्यों और किस तरीके से पैसे कमा कर दे सकती है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कंपनी के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसका हमको स्टॉक प्राइस पर धीरे धीरे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अभी क्या यहाँ पर एक्टिविटी मुथूस फाइनेंस में हो रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, और काफ़ी निवेशक के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसके अंदर हम यहाँ पर अभी निवेश करें क्या, तो उनको भी यहाँ पर पता चली जाएगा एंड जो लोग खरीद कर बैठे उनको भी कि इसमें क्या करें बोलकर। जैसे कि देखिए, आज जो स्टॉक का परफॉर्मेंस मुथूस फाइनेंस का थोड़ा अपट्रेंड वाला नज़र आया है, उसके पीछे इम्पैक्ट करने वाली न्यूज़ है वो यहाँ पर हम देखते हैं और उसके बाद में बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आपको जो न्यूज़ है उसके ऊपर की डिटेल्स बताता हूँ जिससे आपको पता चले। कुल मिलाकर देखिए, जो यहाँ पर कंपनी तरफ से अनाउंस किया गया है मीटिंग के अंदर कि नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर होते हैं उसको इशू कर कर कंपनी पूरा मार्केट से कलेक्ट करने वाली, देखिए 300 करोड़ रुपीज़ जो यहाँ पर हम फंड रेज करने की बात कर रहे हैं वो। एंड यहाँ पर जो साइज़ है काफ़ी अच्छी है, देखिए जो यहाँ पर इन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में अनाउंस किया है, जो कंपनी के मैनेजमेंट तरफ से भी काफ़ी कुछ डिटेल बताई है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मुथूस फाइनेंस हैज़ अनाउंस देयर 28 पब्लिक इशू ऑफ द सिक्योर डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 1000 ईच एंड विद बेसिस यहाँ पर साइज ऑफ 75 करोड़ विद एंड ऑप्शन टू रिटेन ओवर द सब्सक्रिप्शन अप टू 225 करोड़, एग्रीगेटिंग अप टू द टेंच लिमिट ऑफ यहाँ पर आप पढ़ सकते कि 300 करोड़ रुपीज। यहाँ पर दोस्तों इस न्यूज़ को इतना इम्पोर्टेंट इसलिए देना चाहिए क्योंकि देखिए, कंपनी यहाँ पर जो 300 करोड़ रुपये रेज कर रही है वो क्या खुद यहाँ पर खर्चा नहीं करेंगे, वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए है। और देखिए, बिजनेस जैसे एक्सपांड होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो फ़ायदा किसको है? शेयर होल्डर को। ये बात समझाने के लिए न्यूज़ को यहाँ पर कवर अप किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, मैंने बहुत से अपडेट में बहुत सी चीज़ें बहुत बार बताई है और ये भी क्लैरिटी आपकी बढ़ जाए बोलकर ही बताना है कि कंपनी इतना अच्छा पैसा कलेक्ट यहाँ पर कर रही बोलकर। बाकी की तो कोई चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखती क्योंकि हम कोई यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई नहीं करने वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए। इम्पोर्टेंट यही है कि जो कंपनी फंड रेज कर रही है इसका बेनिफिट हम सभी को है, और आप ये देख सकते हैं कि कंपनी ने ऑफिशियल न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट देकर ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू के बारे में बताया है। ऐसे काफ़ी बड़े अपडेट्स आते रहते हैं जिस पर हमारी पूरी नज़र रहनी चाहिए और हम सभी के लिए बेनिफिशियली होते हैं। कंपनी देखिए धीरे धीरे इम्प्रूव करेगी, इसकी उम्मीद अच्छी है क्योंकि एक्टिविटीज़ कंपनी के बता रहे हैं। अब वो समय कितना लेगी वो किसी को भी पता नहीं, क्योंकि फैक्ट एंड फिगर्स आपको ज़रूर पूरे तरीके से क्लियर होने चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पर खाली पैसे लगा कर बैठ रहे हैं, हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है। और आप अच्छे रिटर्न कमाने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर नज़र रखिए। लार्ज कैप वाले ज़रूर बहुत धीरे चलते हैं, कुछ कंपनीज़ का बिजनेस जैसा चलता है वैसा वो स्टॉक परफॉर्म करता है। तो ये आपके यहाँ पर माइंड की पूरी क्लैरिटी रहनी चाहिए, और काफ़ी निवेशक यहाँ पर पूछ रहे थे तो उनको मुझे लगा कि ज़रूर बताना चाहिए कि क्या चल रहा है और आपको भी क्या करना चाहिए। तो कंपनी के अंदर का बिजनेस आपको जैसे मैंने बताया पूरी तरीके से बेनिफिशियल है, सब कुछ चीज़ें हैं, खाली स्टॉक प्राइस में इम्प्रूवमेंट आने के लिए एंड बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के लिए कंपनी टाइम ले सकती है। पिछले 1-1.5 साल से भी टाइम ले ही रही है, और मैं भी जैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपको पहले से भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर इम्पैक्ट के अदर बैंकिंग सेक्टर के जो यहाँ पर गोल्ड लोन से रिलेटेड डिसीजंस है वो यहाँ पर अच्छा खासा इस पर जो है पूरा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो मुथूस फाइनेंस है इसका बिजनेस है गोल्ड लोन देना, इसका जो इंटरेस्ट है उससे भी कम दाम में अदर यहाँ पर इन्वेस्टर सॉरी यहाँ पर जो बैंकिंग जो यहाँ पर हम कहेंगे जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते वो दे रहे हैं, तो उधर कस्टमर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा मार्जिन वगैरह एंड कस्टमर की जो पूरी जैसे ग्रोथ थी पहली
वह भी कम हो रही है। ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करने वाला पॉइंट है। बट कंपनी अभी जो इस सीज़न या यहाँ पर उन्होंने बताया कि खरीफ सीज़न के अंडर यहाँ पर फिशरिंग जो होती है उसके अंडर इनको बेनिफिट होंगे बोलकर, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट देखकर क्या यहाँ पर दिखाई देता है कंपनी के अंदर। तो आप बाद में भी डिसीजन लेना चाहेंगे, थोड़ा रिज़ल्ट को अपडेट में यहाँ पर लेना चाहिए, आपने समझना चाहिए, उसके बाद में भी आप डिसीजन अपने डिसाइड कर सकते हैं कि उसका प्रॉफिट कैसा है, फिर कंपनी के अंदर अपना डिसीजन आप क्लियरली ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।